केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर देहरा विधायक होशियार सिंह द्वारा की गई टिप्पणियों को लेकर देहरा भाजपा से भाजपा युवा प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर सुकृत सागर ने जवाब देते हुए कहा है कि दरअसल विधायक महोदय को पता ही नहीं है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, सरकार के पक्ष में बोलना है या सरकार के विरोध में बोलना है, वे अपना स्टैंड स्पष्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर सुकृत ने कहा कि विधायक महोदय ने सीयू के उस शिलान्यास पर सवाल खड़े कर दिए जिसकी अध्यक्षता हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने की थी तथा शिलान्यास हमारे केंद्र के वरिष्ठ एचआरडी मंत्री ने किया था। हालांकि बड़ी बात ये है कि उस शिलान्यास में विधायक खुद भी मौजूद थे, उनका भी पट्टिका पर नाम है, तो उन्होंने तब सवाल क्यों नहीं उठाया? अब श्रेय लेने के लिए तथा सरकार के खिलाफ बोलने के लिए वे ऐसा बोल रहे हैं। डॉक्टर सुकृत ने कहा कि हमारे सांसद अनुराग ठाकुर व विधायक रविंदर रवि तथा वरिष्ठ नेता जब केंद्रीय विश्वविद्यालय को देहरा में लाने का संघर्ष कर रहे थे तथा वीरभद्र सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, उस समय विधायक मुंबई जैसे शहर में अपनी सुख सुविधाओं के लिए व्यापार कर रहे थे, तो उनको क्या पता केंद्रीय विश्वविद्यालय देहरा में कैसे आया और उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। दूसरा, जब मुख्यमंत्री महोदय ने कल ही साफ कर दिया था कि उन्होंने जिला प्रशासन को देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम जमीन का तबादला करने के लिए बोल दिया है, तो विधायक का बार बार इस तरह से सवाल पूछना ओछी राजनीति का हिस्सा है। विधायक महोदय एक तरफ तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय को अपना मार्गदर्शक मानते हैं, तो दूसरी तरफ उनका ऐसे सरकार पर हमला करना उनके दोहरी मानसिकता व दोहरे व्यवहार को दर्शाता है, जो कि राजनीतिक तथा सामाजिक तौर पर अशोभनीय है। डॉक्टर सुकृत ने कहा कि इससे पहले भी विधायक भाजपा सरकार पर भाजपा मंत्रियों के खिलाफ बोल चुके हैं। वे सीमेंट तथा पोंग बांध विस्थापितों के बारे में जनता को भ्रमित करने के लिए सरकार के विरुद्ध आक्रोश रैलियां निकालकर आंदोलन कर चुके हैं। डॉक्टर सुकृत ने कहा कि देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय धूमल सरकार की देन है। उन्होंने कहा कि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल के लिए मंजूर हुआ था, उस समय हिमाचल सरकार इसको कहीं भी खोल सकती थी, लेकिन सरकार ने इसको हिमाचल के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के देहरा में खोलने का निर्णय लिया, जो कि देहरा के लिए सौभाग्य की बात थी, लेकिन होशियार सिंह को इसमें दिक्कत नजर आ रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। युवा नेता ने कहा कि अगर देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय की कक्षाएं चल रही हैं, तो देहरा में विद्यार्थी व विश्वविद्यालय का स्टाफ रह रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। लोगों के कमरे किराए पर चल रहे हैं, लेकिन विधायक महोदय को ये लूट लग रही है। उनका देहरा के लोगों को लुटेरा कहना अशोभनीय है। डॉक्टर सुकृत ने कहा कि विधायक कांग्रेस के एजेंट की तरह भाजपा सरकारों के खिलाफ न बोलते हुए देहरा की जनता के हित के लिए सरकार के पक्ष में बात करें। जनता ने उन्हें आजाद विधायक चुना है, न कि कांग्रेस का एजेंट। देखिए, दरअसल विधायक महोदय को पता ही नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, सरकार के पक्ष में बोलना है सरकार के विरोध में बोलना है, वे अपनी बात को स्पष्ट रूप से रख ही नहीं पा रहे हैं। आपने शिलान्यास पे सवाल खड़े कर दिए, उस शिलान्यास पे सवाल खड़े कर दिए जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की, हमारे केंद्र के एचआरडी मंत्री ने वो शिलान्यास किया, आपने उस पे सवाल ये निशान खड़े उस पे सवाल ये निशान लगा दिया, उस पे सवाल खड़े कर दिए। और बड़ी बात ये है कि उस कार्यक्रम में आप भी उपस्थित थे, शिलान्यास पट्टिका पे आपका भी नाम है, तब क्यों नहीं आपने बोला, तब क्यों नहीं आपने सवाल खड़े किए? अब जब आपको लग रहा है कि मुझे श्रेय लेना है, मुझे अकेले को श्रेय लेना है, तो आप इस तरह से राजनीति कर रहे हैं। जब हमारे नेता केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए संघर्ष कर रहे थे, ये सारे का सारा प्रोजेक्ट 2010 में जब आया तो ये हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय आया था, ये प्रदेश में कहीं भी खुल सकता था, लेकिन उस समय की भाजपा सरकार ने इसको प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के देहरा में खोलने का निर्णय लिया, जो कि देहरा के लिए एक सौगात थी। लेकिन विधायक महोदय को इसमें दिक्कत नजर आ रही है। इसके उपरांत जब वीरभद्र सरकार में हमारे भाजपा के नेता ये संघर्ष कर रहे थे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय देहरा में ही रहे, और वीरभद्र सरकार से संघर्ष कर रहे थे, उस समय तो आप अपनी सुविधाओं के लिए, अपने सुख सुविधाओं के लिए मुंबई जैसे शहर में व्यापार कर रहे थे, तो आपको क्या पता जमीनी हकीकत की देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय को लाने के लिए हमारे नेताओं ने कितना संघर्ष किया है। आज जब सीयू की कक्षाएं देहरा में चल रही हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, कुछ लोगों ने अपने कमरे किराए पर चढ़ाए हैं, तो आप बोल रहे हैं कि देहरा के लोग छात्रों को लूट रहे हैं, 8-10 हजार रुपया किराया ले रहे हैं प्रशासन के स्टाफ से, केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रशासन के स्टाफ से। आप बताएं देहरा में कौन 8-10 हजार रुपया किराया ले रहा है एक कमरे का? आप देहरा के लोगों को लुटेरा ना बोले, और देहरा में किसने
लूट मचाई है, ये समय आने पे तथ्यों के साथ बता भी दिया जाएगा, आप उसकी चिंता ना करें। इससे पहले भी आप सरकार के खिलाफ बहुत बार बोल चुके हैं, सीमेंट के मुद्दे पे आपने हमारे मंत्री महोदय भाजपा के मंत्री के खिलाफ बोला, भाजपा सरकार के खिलाफ बोला, तब भी आपने आंदोलन की चेतावनियां दी, आंदोलन किए, आक्रोश रैलियां तक निकाली आपने सरकार के खिलाफ, सरकार के विभागों के खिलाफ, पौंग डैम ऑस्टिस को लेकर आपने आंदोलन की बात कही, तब आपने सम्मेलन किए सरकार के खिलाफ, और आज आप सीयू की बात, सीयू के लिए ये सारी बातें बोल रहे हैं। आप बोलते हैं कि मैं कोर्ट जाऊंगा केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेके, आप पहले स्पष्ट करें कि आप आंदोलन करेंगे या कोर्ट जाएंगे।